कब्र का बवाल के हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन हर रोज एक ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है जो इस पूरे मामले को फिर से चर्चा में ले आ रहा है। पहले 2 दिन में 2 हत्याएं हुई और चौथे दिन में प्रशांत साहू जी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। एसपी खुद कहोगे पिटवाए। पहले एक शख्स आत्महत्या करता है और उस आत्महत्या को हत्या मान करके ग्रामीण उप सरपंच के घर पर धावा बोल देते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम होता है कि इस आगजनी के आरोप में जिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी जेल में मौत हो जाती है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच जो है चौथा बड़ा घटनाक्रम ये होता है कि वहाँ एएसपी के रूप में कार्यरत आईपीएस विकास कुमार को निलंबित कर दिया जाता है और इसी निलंबन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक एएसपी जिले में किसी बड़े मामले के लिए जिम्मेदार हो सकता है? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कबरधा मामला एक ऐसा मामला है जिसने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, वो सवालों के घेरे में लगातार आ रहा है। चाहे मामला विवाद का हो, चाहे मामला एक आरोपी की जेल में मौत का हो और चाहे मामला एक आईपीएस अफसर के निलंबन का हो, तीनों ही मामलों में पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ताज़ा तरीन मामला जो विवाद खड़ा हो रहा है वो आईपीएस विकास कुमार के निलंबन से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा है कि आखिर एक एएसपी लेवल का अधिकारी किस तरीके से पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जबकि वो एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड पर है। तकनीकी तौर पर इसे ट्रेनिंग भले ही ना माना जाए, लेकिन एक आईपीएस की एक बड़ी नियुक्ति सीधे तौर पर तब मानी जाती है जब उसे किसी जिले का प्रभार यानी कि पुलिस अधीक्षक का पद मिलता है। इसके पहले जो पद होते हैं वो उनके लिए एक तरीके से ट्रेनिंग की तरह होते हैं। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान भी निलंबन हो सकता है, लेकिन इस मामले में कुछ अलग तरह की चर्चाएं हैं। अभी तक जो परंपरा रही है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस के बड़े अफसर ट्रेनी अफसरों को बचाने का काम करते हैं और अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसको समझाते हैं, सिखाते हैं और ये मान करके चलते हैं कि नया लड़का है और उसे सीखने का अभी उसका दौर है, और सीखने के दौर में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके करियर पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन कबरदा मामले में इस पुलिस की इस नैतिकता का ध्यान जो अपने कर्मचारियों के लिए होती है उसका शायद ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा ये है कि एक नया आईपीएस विकास कुमार जो कि 2020 बैच के हैं उनको निलंबित कर दिया गया। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस निलंबन से किस तरीके से उनके करियर पर असर पड़ेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कबरधा मामले में पहले भी क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 15 तारीख से लेकर के और आज की तारीख तक उनकी भूमिका क्या हो सकती थी। हालांकि इस मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी और सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात करने के लिए राजी नहीं है। बहुत सारी जानकारियां जो तीरंदाज ने जुटाई हैं वो अपने सोर्सेज से जुटाई हैं। कुछ पुलिस अफसरों ने बहुत कुछ जानकारी दी लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 15 सितंबर को जब सुबह रेंगाखार थाना क्षेत्र के लोहारी डी गांव में एक व्यक्ति की लाश मिलती है जो कि शिव प्रसाद साहू की थी, जो कि लोहारा डी गांव के पास से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पेड़ से झूलती हुई मिलती है। इस बॉडी के मिलने के बाद ग्रामीणों को ये आशंका होती है कि शिव प्रसाद साहू की हत्या जो है गांव के उप सरपंच रघुनाथ साहू ने की है। इसके बाद पूरा गांव एकजुट हो जाता है और सारे गांव वाले, जैसा कि बताया जा रहा है, करीब 400-500 ग्रामीण रघुनाथ साहू के घर पर धावा बोल देते हैं। जब इसकी सूचना पुलिस को लगती है तो पुलिस जो है एसपी अभिषेक पल्लव, डॉक्टर अभिषेक पल्लव अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन पर भी हमला होता है और वो गिर जाते हैं, उनको भी कुछ चोटें आईं ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद जिले से बल मंगाया जाता है और फिर जो है गांव में एक्शन शुरू होता है। इसी बीच जो है ग्रामीण रघुनाथ साहू के घर में आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद पुलिस जो है उसमें घर में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश करती है और इस बीच बचाव में
पुलिस का ग्रामीणों से जबरदस्त विवाद होता है। पथराव की भी नौबत आती है और बताया जा रहा है कि पुलिस पर पथराव भी होता है। पुलिस कुछ लोगों को निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन जब आग बुझाई जाती है तो पता चलता है कि रघुनाथ साहू जो कि उप सरपंच हैं उनकी जलकर मौत हो चुकी है। इस पूरे बड़े बवाल के बाद जो है पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस जो है बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी करती है। कसारीडी गांव चूंकि रेंगाखार थाने में आता है, इसलिए रेंगाखार थाने में 5 FIR इस पूरे मामले की दर्ज की जाती है और इस 5 FIR में करीब 150 लोगों को नामजद किया जाता है। पुलिस की गिरफ्तारी का क्रम शुरू होता है और पहले ही दिन करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। इसके बाद गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेल में एक शख्स प्रशांत साहू की मौत हो जाती है। लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस द्वारा बेदर्दी से मारपीट के कारण जो है प्रशांत साहू की मौत हुई, जबकि वो सभी लोग जो आरोपी थे वो सभी जेल में थे। ऐसी स्थिति में जेल की जिम्मेदारी भी एक बनती है। बताया ही जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान ही जो है लोगों के साथ मारपीट की गई थी। हालांकि इस मामले को कांग्रेस ने लपक लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री विजय शर्मा और IPS अभिषेक पल्लव को निशाने पर ले लिया है। वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट ऐसा भी किया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह पुलिस अधीक्षक के सामने एक लड़की की पिटाई की जा रही है और पुलिस अधीक्षक खुद उसे पीटने के लिए कह रहे हैं। इस वीडियो के साथ भूपेश बघेल लिखते हैं कि यह एक नाबालिग लड़की है और उसे पुलिस अधीक्षक के कहने पर पीटा जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई बड़ी सख्ती से हुई और होनी भी चाहिए थी, लेकिन कुछ मामलों में पुलिस को बहुत ही संजीदगी से काम करना होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर पुलिस खुद कानून तोड़ने लगेगी तो फिर आखिर लोग किस पर भरोसा करेंगे और किसे अपना रोल मॉडल बनाएंगे। पुलिस की कार्रवाई कानूनन मजबूत होना चाहिए, ना कि किसी इस तरीके से सार्वजनिक रूप से पिटाई करके। अब आपको बताते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। इस पूरे घटनाक्रम की जब छीछालेदर होने लगी, विपक्ष हमलावर होने लगा, तो कल जो है एक अधिकारी का निलंबन किया जाता है और वो अधिकारी हैं IPS विकास कुमार। IPS विकास कुमार कवर्धा में ASP के पद पर कार्यरत हैं, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका अभी तक ये तय नहीं है कि किस आधार पर उनका निलंबन किया गया। हालांकि तीरंदाज ने जिले के जिम्मेदार अफसरों से और रेंज के जिम्मेदार अफसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मामले में बात करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। हालांकि जो है विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस और उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले को किसी भी सूरत में छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब जो है जो विकास कुमार का जो निलंबन है वो पुलिस महकमे में ही चर्चा का विषय बन गया है और इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये उठाया जा रहा है कि विकास कुमार का निलंबन किस आधार पर किया गया। अगर मान लीजिए बवाल मामले में उनका निलंबन किया गया है तो बवाल मामले में तो खुद SP वहाँ मौजूद थे मौके पर। अगर ये माना जाए कि युवक की मौत के मामले में ये निलंबन हुआ है तब भी सवाल उठता है, क्योंकि युवक तो न्यायिक हिरासत में था, यानी जेल में था। ऐसे में जिम्मेदारी जेल प्रशासन की बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका दिखाई नहीं देती है। देखिए, इस गाँव में 4 दिन में पहले 2 दिन में 2 हत्याएं हुई और 4th दिन में प्रशांत साहू जी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है और उसके जो बॉडी है उसमें बहुत चोटों के निशान है, बहुत मार मारे हैं, पैर में, कमर में, पीठ में, हाथ में, सब जगह चोट के निशान है और बेहद दर्दनाक मौत हुई है। और इतना बेरहमी से पुलिस वाले मारे हैं तो उसके जख्म है वो बता रहे हैं, बेहद दुखद है। अभी सुनने में आया है कि और लोग भी जेल में जो बंद हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब है और ये भी है कि कई लोग चल नहीं पा रहे हैं, कोई खा नहीं पा रहे हैं। अभी उसका भाई आया है तो वो भी अपना निशान दिखा रहा था, उसकी माँ है वो चल नहीं पा रही है, वो भी दुखी है, बहुत मारे हैं उसे। तो अपराधी हैं उसे पकड़े, लेकिन सब लोगों को पकड़ के जानवर से भी बदतर स्थिति, उससे भी ज़्यादा भयानक मारे हैं, ये तो बेहद दुखद बात है। रीजनल SP को इसमें सस्पेंड कर दिया गया, 10 लाख की मुआवजा भी सरकार दे। देखिए, इस सब मामलों में बाद में बात करूँगा, ये तो मामला वहीं तक ही नहीं है। 10 लाख के मुआवजे परिजन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सरकारी नौकरी की मांग,
परिवार वाले तो भी मिले तो वो लोग बोले कि भाई मुआवजा भी मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। ये बात है, किसान के शरीर में काफ़ी निशान मिले, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ऐसे हर जो कैदी हैं जिनको गिरफ्तार करके ले गए सबको पीटे। किसान की माता जी के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने, वो चल नहीं पा रही, चल नहीं पा रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेहद मतलब अमानवीय तरीके सभी। और एसपी खुद कह रहा हूँ कि पिटवाए सभी आरोपियों से मारपीट की गई, तो पता चला क्या जेल में मिलने जाएंगे? मैं जा रहा हूँ, वहीं हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और विधायक साथी भी हैं, कलेक्टर के यहाँ भी आवेदन लगा दिया गया है। अब जाते ही यदि हम वहाँ परमिशन देते हैं, हम जा मिलेंगे, ध्रुव जेल भी जाएंगे, ध्रुव जेल भी जाएंगे। अब देखिए इस निलंबन से विकास कुमार के करियर पर क्या असर पड़ेगा। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की पर उन्होंने ये बताया कि ये निलंबन जो है ताउम्र विकास कुमार के साथ रहेगा, वो कभी भी डेपुटेशन पर केंद्र में नहीं जा सकेंगे और अगर जाएंगे भी तो उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये निलंबन जो है उनके करियर के लिए बड़ा धब्बा साबित होगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी इस निलंबन के बाद उनसे पूछताछ होगी, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और अगर मान लीजिए कि किसी मामले में उनको सज़ा हो जाती है, अगर कोई बड़ी सज़ा हो जाती है तो उनके प्रमोशन पर भी फ़र्क पड़ेगा, यानी कि 2020 बैच के जो आईपीएस हैं उनको किसी ज़िले में एसपी बनने में भी मुश्किलात आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे पुलिस अफसरों ने हमको ये बताया कि पुलिस महकमे के अलावा और भी विभागों में इस तरह की परंपरा रही है कि अगर कोई जूनियर अफसर कोई गलती भी कर देता है तो उसे सीख के तौर पर लिया जाता है और उसको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस तरह की गलतियाँ उसे दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई नज़ीर पुलिस विभाग द्वारा अपने जूनियर अफसर के सामने पेश नहीं की गई और उसके करियर को दांव पर लगा दिया गया। आगे इस मामले में और भी जो डिटेल आएगा उसको भी हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक आप तीरंदाज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।